सभी बच्चे, पहला राउंड जो है हमारा वो है सिंपल राउंड, सादा राउंड। उसमें जो है हर ग्रुप को तीन तीन सवालात पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो सवालात बारी बारी पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको जो है कार्ड सिस्टम के जरिए से सवालात पूछे जाएंगे। आपके सामने एक बॉल आएगा, एक पॉट आएगा, उसमें से जो है तो आपको सवालात उठाना है और आपको जो है तो वो सवाल का जवाब देना है, जिसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 10 नंबर, ठीक है। और बाकी के जो राउंड है हमारे, वो राउंड है, बोलिए क्या राउंड, वो पासिंग राउंड या बोनस राउंड भी उसे कह सकते हैं। और तीसरा राउंड है बजर राउंड। मैं आपको और मजीद कंफ्यूज ना करते हुए आगे बढ़ता हूं और चंद आदाब का ख्याल भी रखिए थोड़ा सा, कि हम इस क्विज कंपटीशन को तो हासिल करना ही चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ नीयत की अगर दुरुस्तगी हो तो और भी बेहतर हो सकता है कि हम नीयत को दुरुस्त कर ले। चारों टीम को मुखातिब हूं मैं। नीयत की दुरुस्तगी से मुराद यहां पर यह है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के हर पहलू को जानकर उस पर अमल करना चाहते हैं। इस कॉम्पिटिशन को जीतना भी हमारा मकसद है, लेकिन साथ ही साथ जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को भी हम पढ़कर उस पर अमल करना चाहते हैं। दूसरी चीज जो है, हम टीम वर्क का ख्याल रखें। टीम वर्क से मुराद ये कि अगर आपको जवाब आता भी है तो आपके साथी को जो है तो कन्फर्मेशन ले ले, सुलह मशवरा कर ले कि ये सही जवाब है या नहीं है, क्योंकि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिए हुए हैं, तो उस पर यह बात मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहेब वही होने के बावजूद आप अपने सहाबा कराम रजी अल्लाह तआलाना से सुलह मशवरा किया करते थे, तो आपको भी क्या करना है, सुलह मशवरा करना है, ठीक है। तीसरा आदब यह है कि आप सब्र व तहम्मुल का थोड़ा सा यहाँ मुजाहरा करें। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई जवाब गलत आता है तो आप मुश्तइल नहीं होंगे, इश्तियाल अंगेजी का सबूत नहीं देंगे, बल्कि सब्र करेंगे। ये हमारे क्विज कंपटीशन का तीसरा अदब है। और अब तमाम बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, नेक ख्वाहिशात का इजहार। तो मैं हमारी बाजी सालिया बाजी से गुजारिश करता हूँ, शबाना बाजी से गुजारिश करता हूं कि बॉल लाया जाए सबसे पहले। एक और मर्तबा इन तमाम होनहार तलबा का तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए, क्योंकि ये वो तलबा और तालिबात है जो अपने अपने स्कूल में तकरीबन 200 और 300 बच्चों को हरा कर यहां पर आपके सामने बैठे हैं, तो इनका जो है तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए। बॉल लाया जाए बाजी, हाँ हाँ ठीक है, अभी सवालात आ रहे हैं। और एक और अलग बात, ये और एक बात बोल रहा हूँ मैं अदब में, कि हमें जो है ना किसी भी किस्म का घमंड और तकब्बुर भी नहीं होना चाहिए। हम जो है ना अपने साथी पार्टिसिपेंट्स को, कंटेस्टेंट को जो है हकीर निगाह से ना देखें। ये बताया ना रूल जो है तो आप लोगों के सामने जो है तो आ चुके हैं सारे, ठीक है। अभी हमारे पास बॉल आ चुका है, चलिए पहला सवाल टीम मिलिया के लिए है। 35 क्वेश्चन, 35 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में किसके मकान पर क़ियाम किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में किसके मकान पर क़ियाम किया? अम्मत अम के। आपके पास अभी 48-47 सेकंड है, अभी आप गौर करके बता सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में किसके मकान पर क़ियाम किया? आप मशवरा कर सकते हैं आपके साथी के साथ। अम्मत अदी के घर। अभी आपके पास 20 सेकंड है। सोचिए अच्छे से, कुछ गेस कर पा रहे हैं आप?
अभी आपके पास 7 सेकंड है। उम्मे मकबा। जी नहीं। ओ माय गॉड, इस तरीके से इनका जो है टाइम आउट हो चुका है यहाँ पर, और पहले ही सवाल में जो है आप पीछे जा चुके। ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। जी यहाँ पर अंजुम उलूम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल शराइत के खिलाफ ये बात है कि आप पैड या कोई चीट आपके पास नहीं रखेंगे, तो प्लीज़ ये आप दे दीजिए मुझे, आपका वो ले सकते हैं आप, पैड दे दीजिए। पैड मुझे देना है बेटा। ठीक है, चलिए आपके सामने बॉल है। आप सेकंड टीम जो हमारे सामने है वो है अंजुम उल उलूम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, ले लीजिए आपका। जी राइट हजरत कुलसुम रजी अल्लाह ताला ना थे, माफ कीजिए मैं थोड़ा सा विरासत सर ने बोलने की वजह से, उनका राइट आंसर था हजरत कुलसुम बिन अलहदम के मकान पर। ठीक है, लिफाफा नंबर 17। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तबलीग के लिए किस सहाबी को भेजा था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तबलीग के लिए किस सहाबी को भेजा था? बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ अंजुमुल उलूम गर्ल्स प्राइमरी को मिलते हैं 10 नंबर। लिफाफा नंबर 13। सवाल यहां डिस्प्ले हो चुका है, आपके साथ गज़वे अहद में कितने सहाबा थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वे अहद में कितने सहाबा थे? बोलिए, यहां है आपके पास माइक। 700। बिल्कुल सही जवाब। और इसी तरीके से उदा प्री प्राइमरी स्कूल को मिलते हैं 10 नंबर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लीजिए बेटा। लिफाफा नंबर 12। सवाल है, अबू जहल का सर किसने कलम किया? हजरत बोलिए, अबू जहल का सर किसने कलम किया? कुछ गेस कर पा रहे हैं? कीजिए, आपके साथी के साथ मशवरा कीजिए। अबू जहल का सर किसने कलम किया? अभी आपके पास सोचने के लिए 15 सेकंड है। टाइम अप। बदकिस्मती से आपने जवाब नहीं दे पाए हैं, और उसका सही जवाब है अबू जहल का सर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कलम किया। ठीक है, कंपटीशन का दूसरा राउंड यहां पर शुरू हो रहा है। मिलिया प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो है अपना लिफाफा उठाएं। लिफाफा नंबर 21। गज़वे बदर के बाद मक्का के किस सरदार ने कसम खाई कि जब तक बदर की शिकस्त का बदला ना लूंगा दुनिया का लुत्फ ना लेगा? अबू सुफयान ने। बिल्कुल सही जवाब। अब
बॉल जो है अंजुमल गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के पास जा चुका है और लिफाफा हमारे पास आ चुका है, लिफाफा नंबर 29। सवाल है, जंगे बदर में कितने अंसार शहीद हुए? 8 अंसार। बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ अगले राउंड अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हुदा प्री प्राइमरी स्कूल की जानिब लिफाफा नंबर 19। सवाल है, अक्सर यहूद ने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया? अक्सर यहूद ने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया? हसद व बुग्ज की वजह से। बिल्कुल सही जवाब। और तालियों के साथ जो है इन बच्चों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। और बॉल जाता है फारूकी प्राइमरी स्कूल सिरसाला की जानिब। उठाइए एक लिफाफा, आराम से उठाइए, लिफाफा नंबर 52। और आपका सवाल जो है डिस्प्ले होता है, गारे सूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की गुफ्तगू का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरत में है? गारे सूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक। जी नहीं, आपके साथियों से जो है थोड़ा सा मशवरा कर सकते हैं। गारे सूर में सूरे तौबा। बिल्कुल सही जवाब। और तालियों के साथ इन तलबा का भी जो है इस्तकबाल किया जाए। अब हमारा तीसरा राउंड यहां पर शुरू हो रहा है। तीसरे राउंड में मिलिया प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो है लिफाफा उठाते हुए और पेज नंबर और लिफाफा नंबर है इनका 43। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुबा कब पहुंचे? 12 रबीउल अव्वल 2 सन 2 बरोज जुमा। जी नहीं, आपके साथियों से थोड़ा सा कंसल्ट कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, अभी आपके पास वक्त है। 43 सेकेंड्स, 39 सेकेंड्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुबा कब पहुंचे? चौबीस सेकंड बचे हुए हैं आपके पास। 12 रबीउल अव्वल सन 2 हिजरी 22 सितंबर 622। थोड़ा सा भूल रहे हैं आप, अभी 10 सेकंड आपके पास बाकी है। मुकम्मल जवाब दे, एक अदद भूल रहे हैं आप इसमें। टाइम आउट। सही जवाब है 12 रबीउल अव्वल 13 नबी 22 सितंबर 622। तो आपने 13 नबी नहीं कहा था, इसलिए जो है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब बारी है अंजुम उल उलूम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की। उठाइए बॉल में से आपका लिफाफा, लिफाफा नंबर है 24। सवाल है, गज़वे बदर में मुबारजत सबसे पहले मैदान में ललकारने वाले कौन थे? उत्बा शिबा वलीद थे। बिल्कुल सही जवाब, उत्बा शिबा वलीद। तो इस तरीके से सही जवाब देते हुए आगे बढ़ रही है अंजुम उल उलूम गर्ल्स। अब आते हैं हुदा प्री प्राइमरी के पास और इन्होंने जो लिफाफा हमारे पास थमाया है वो है 9 नंबर। यहां पर आपके पास डिस्प्ले किया जा रहा है सवाल, सबसे पहले किस खातून साहबिया ने हिजरत की? औरतों में सबसे पहले किस खातून साहबिया ने हिजरत की? औरतों में सबसे पहले किस खातून सहाबिया ने हिजरत की? हजरत
उम्मे सलमा बिन अबू उमिया ने। जी नहीं, अभी आपके पास वक्त है, आप आपके साथियों से कंसल्ट कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। लैला बिन तबी हस्मा। बिल्कुल सही जवाब, लैला बिनते अबी हस्मा। औरतों में सबसे पहले इस खातून साहबिया ने हिजरत की। हम आगे की जानिब बढ़ते हैं और यह है फारूकी प्राइमरी स्कूल सिरसाला 8 नंबर। और आपका सवाल डिस्प्ले हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद पहला और आखिरी हज कब किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद पहला और आखिरी हज कब किया था? 12 रबीउल अव्वल। सवाल गौर से सुनिए आप। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद पहला और आखिरी हज कब किया था? 35 सेकंड है अभी आपके पास। जी नहीं, जी नहीं, चूंकि ये सिंपल राउंड है इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। वक्त के चलते 13 सेकंड रह गए हैं आपके। 12 रबीउल अव्वल 8 माह 7 दिन। वो फिर से बोलिए। 12 रबीउल अव्वल 8 माह 7 दिन। जी नहीं, गॉड, आपका टाइम खत्म हो चुका है और सही जवाब है 62 साल 8 माह 7 दिन। तो इस तरीके से पहला राउंड सिंपल राउंड के यहाँ पर तीनों सवाल पूछ चुके हैं। अब हम स्कोरर से जो है पूछते हैं कि अभी यहाँ पर स्कोर क्या हो चुका है। पहले राउंड के 3-3 सवाल हर ग्रुप को पूछे जा चुके हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर तमाम टीमों का स्कोर पेश किया जा रहा है। मिलिया स्कूल को मिले हैं 10 नंबर, टीम मिलिया को मिले हैं 10 नंबर, टीम अंजुम उल उलूम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल आजाद नगर को मिले हैं 30 मार्क्स, और हुदा प्री प्राइमरी स्कूल को भी मिले हैं 30 मार्क्स, और फारूकी उर्दू प्राइमरी स्कूल सिरसाला को मिले हैं 10 मार्क्स। तो इस तरीके से फर्स्ट राउंड में जो दो टीमें हमारे सामने लीड कर रही है वो है अंजुम उल उलूम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल और हुदा प्री प्राइमरी स्कूल। ये फर्स्ट राउंड में जो है लीड कर रहे हैं। अगले राउंड के लिए मैं अपनी साथी शबाना मैडम से गुजारिश करता हूं कि वो निजामत के फ़राइज अंजाम दें। मैं आपकी बोनस राउंड की एंकर सैयद शबाना आप सभी का इस ग्रैंड क्विज मुकाबले में इस्तकबाल करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी आपके सामने सिंपल राउंड कामयाबी के साथ पाए तकमील को पहुँचा है, तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं दूसरे मुकाबले का बोनस राउंड। ऑडिटोरियम में मौजूद ऑडियंस से गुजारिश है कि इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तमाम पार्टिसिपेंट्स की जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई की जाए। पहले मुकाबले में बोनस राउंड के रूल्स मेरे को एंकर आपके सामने बयान कर चुके हैं। चूंकि दूसरे मुकाबले के पार्टिसिपेंट्स तब्दील हो चुके हैं, तो इस मुकाबले को आगे बढ़ाने से पहले मैं इन पार्टिसिपेंट्स के लिए रूल्स ही बताए जा रहे हैं। बोनस राउंड के रूल्स मुख्तसरन बयान करती हूँ। रूल नंबर 1, इस मुकाबले की तमाम टीम से 3-3 सवालात पूछे जाएंगे। रूल नंबर 2, टीम की जानिब से दिया गया पहला जवाब ही काबिले कबूल होगा, यानी आपको जवाब देने का सिर्फ एक मौका दिया जाएगा, आपका पहला जवाब कबूल किया जाएगा। रूल नंबर 3, हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 1 मिनट का वक्त होगा।
अगर कोई टीम सवाल का जवाब देने में नाकाम रही, या टीम का जवाब गलत हो गया हो, या जवाब देने से कबल वक्त पूरा हो गया हो, तो वही सवाल पड़ोस की टीम को पास किया जाएगा। लेकिन पड़ोस की टीम को जवाब देने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा, और अगर पड़ोस की टीम उस सवाल का सही जवाब देती है तो उस टीम को 5 पॉइंट्स एज ए बोनस दिए जाएंगे। रूल नंबर 4, बोनस राउंड में गलत जवाब दिए जाने पर या जवाब ना देने पर कोई निगेटिव स्कोरिंग नहीं होगी। आपके सामने सवालात के एनवलप्स का पॉट लाया जाएगा। इस पॉट में सवालात के एनवलप्स रखे गए हैं। आपको अपना सवाल खुद चूज करना है। ग्रुप्स के जरिए सिलेक्ट किए गए एनवलप में ही उस ग्रुप का सवाल होगा। सो लेट्स बिगिन। तमाम ही टीम तैयार है? चलिए, आपका टीम वन, आप अपने लिए एक चीट निकालिए। टीम वन ने चूज किया है एनवलप नंबर 27। टीम वन, ये रहा आपका पहला सवाल। गजवा एहजाब के मौके पर किस सहाबी की तदबीर से खुरैश और बनु खरीजा में फूट पड़ गई? गजवे एहजाब के मौके पर किस सहाबी की तदबीर से कुरैश और बनु खरीजा में फूट पड़ गई? नयूम बिन मसूद। बिल्कुल सही जवाब। टीम वन की तरफ से दिया गया जवाब बिल्कुल सही है, और इस सवाल के लिए आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। टीम टू, अपने लिए एक एनवलप चूज कीजिए। टीम टू ने चूज किया है एनवलप नंबर 13। टीम टू, आपका सवाल है, फतह मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को मक्के का गवर्नर मुकर्रर किया? हजरत अली बिन अबू तालिब। बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ मिलते हैं टीम टू को 10 पॉइंट। टीम थ्री, अपने लिए एक एनवलप चूज कीजिए। टीम थ्री के एनवलप का नंबर है नंबर 7। आपका सवाल है, गजवा अहद में शहीद होने वाले किस सहाबी की सूरत आपसे मिलती थी? गजवा अहद में शहीद होने वाले किस सहाबी की सूरत आपसे मिलती थी? हजरत मुसाब बिन उमर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ मिलते हैं टीम थ्री को 10 पॉइंट्स। टीम फोर, अपना एनवलप चूज कीजिए। टीम फोर का एनवलप नंबर है 28। आपका सवाल है, गजवा एहजाब के मौके पर किस सहाबी ने खंदक खोदने का मशवरा दिया? गजवा एहजाब के मौके पर किस सहाबी ने खंदक खोदने का मौका दिया, मशवरा दिया? डिस्कस कर लीजिए आप अपनी टीम से। एक मिनट का वक्त है आपके पास। गलत जवाब, गलत जवाब, और इसी के साथ ये क्वेश्चन पास होता है टीम नंबर 1 को। बताइए अपना जवाब, आपके पास 30 सेकंड है। सुलेमान फारसी रजलदरानी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स एज अ बोनस। अपने लिए टीम नंबर 1, अपने लिए एक एनवलप चूज कीजिए। टीम वन का एनवलप नंबर है 12।
खाने। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। कुछ सेकंड के अंदर जवाब दिया गया है टीम वन। अगला क्वेश्चन टीम टू से। टीम टू का एनवेलप नंबर है 29। टीम टू, आपका सवाल है, ग़ज़वा अहद में किस सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पिलाया? मशवरा कर सकते हैं आप, एक मिनट का वक्त है। अली रज़ी अल्लाहु अन्हा। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब दिया है टीम टू ने, और इसी के साथ टीम टू को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। टीम थ्री का एनवेलप नंबर है 14। टीम थ्री का क्वेश्चन है, फतेह मक्के के दौरान मुस्लिम फौज ने कौन सी मशहूर जगह पर क़याम किया? अपना जवाब बताइए। जी हाँ, क्या बोल रहे? जिबले जारान। जिबले, जिबले जारान। जी नहीं, आपका जवाब गलत है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन पास होता है अगली टीम को, टीम नंबर फोर। अपना जवाब बताइए। खुजरो। जी नहीं, ये जवाब भी बिल्कुल गलत है। तो दोनों भी टीम ने यहाँ पर गलत जवाब दिया है, इसलिए ये सवाल यहाँ पर ड्रॉप किया जाता है। चूँकि हमें इस सवाल का सही जवाब जानना है, तो कौन बताएगा इसका सही जवाब? टीम वन बताइए। जबल जाफर। बिल्कुल सही जवाब, इसका सही जवाब था जबल जाफर। टीम फोर, अपने लिए सवाल चूज किए। टीम फोर का एनवेलप नंबर है 30। टीम फोर, आपका सवाल है, ग़ज़वा तबूक से वापस आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मस्जिद को ढाने का हुक्म दिया? ग़ज़वा तबूक से वापस आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मस्जिद को ढाने का हुक्म दिया? 45 सेकेंड। जी नहीं, ये गलत जवाब है, इसी के साथ ये क्वेश्चन पास होता है टीम नंबर वन को। मस्जिद-ए-ज़र्रार। बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ मिलते हैं टीम वन को बोनस 5 पॉइंट्स। और यहाँ पर ये दूसरा राउंड, बोनस राउंड का दूसरे सवाल का राउंड यहाँ पर खत्म होता है। अब इस राउंड के आखिरी सवाल चारों ही टीम से पूछे जाएंगे। सबसे पहले टीम नंबर वन, अपने लिए एक एनवेलप चूज कीजिए। टीम वन का आखिरी एनवेलप नंबर है 45। इस नाउन के लिए आपका आखिरी सवाल, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कब पैदा हुई? 605 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। अगला अपना एनवेलप चूज कीजिए। टीम टू का एनवेलप नंबर है 36। टीम टू का सवाल है, ग़ज़वा हुनैन में सबसे पहले किसने हमला किया? ग़ज़वा हुनैन में सबसे पहले किसने हमला किया? दोहराइए आपका जवाब। बनो हवाज़न ने। बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ टीम टू को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। टीम थ्री, अपने लिए एक एनवेलप चूज कीजिए। टीम थ्री का एनवेलप नंबर है 17। आपका सवाल है, ग़ज़वा मौता कहाँ हुआ? ग़ज़वा मौता कहाँ हुआ?
मदन के शहर मोता के करीब। बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ टीम थ्री को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। इस राउंड का आखिरी सवाल टीम फोर के लिए। टीम फोर ने सिलेक्ट किया है एनवलप नंबर 20। टीम फोर आपका सवाल है, सूर्य एहजाब किस मसले के मुताबिक है? खंदक। बिल्कुल सही जवाब। इस राउंड का आखिरी जवाब बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं इस राउंड के जरिए कौन सी टीम को कितने मार्क्स मिलते हैं। स्कोर बोर्ड प्लीज। स्कोर बोर्ड बोनस राउंड के स्कोर्स कुछ इस तरह से हैं। टीम वन मिलिया प्राइमरी स्कूल के स्कोर्स हैं टोटल 40 मार्क्स। चूंकि मिलिया स्कूल ने 2 मरतबा पासिंग राउंड के सही जवाब देकर 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हासिल किए हैं, इसलिए मिलिया स्कूल को मिलते हैं 40 मार्क्स। अंजुमुल उलूम प्राइमरी स्कूल को मिलते हैं 30 मार्क्स। टीम नंबर टू को मिलते हैं 30 मार्क्स। टीम नंबर थ्री हुदा प्री प्राइमरी स्कूल को मिलते हैं 20 मार्क्स एंड फारूकी प्राइमरी स्कूल को मिलते हैं 40 मार्क्स। टोटल पॉइंट्स दिखाए गए यहां पर स्कोर बोर्ड पर। दोनों टीम के फाइनल टोटल पॉइंट्स है, मिलिया प्राइमरी स्कूल टोटल 50 पॉइंट्स या 50 मार्क्स, अंजुमुल उलूम प्राइमरी स्कूल 60 मार्क्स, हुदा प्री प्राइमरी स्कूल 50 मार्क्स एंड फारूकी उर्दू स्कूल 20 मार्क्स। इस तरह से अंजुमुल उलूम प्राइमरी स्कूल इस राउंड में, यहां तक के राउंड में आगे चल रही है। दूसरे मुकाबले का बोनस राउंड यहां मुकम्मल होता है। अब बजर राउंड के लिए मैं एंकरिंग की जिम्मेदारी शेख साबिर सर के सुपुर्द कर दी हूं। जज़ाकअल्लाह बाजी। जैसे कि ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं और हमने अभी देखा है कि पहले हमारा एक पहला कंपटीशन यहाँ पर मुकम्मल हुआ है जिसके अंदर बजर राउंड का एक हो चुका है जिसे आपने देखा है। अभी हमारे इस सेकंड कंपटीशन के अंदर पहला राउंड जो है हमारा सिंपल क्वेश्चन का हुआ है और सेकंड राउंड हमारा जो है तो पासिंग राउंड का हो चुका है। अभी यहाँ पर तीसरा राउंड बजर राउंड होने जा रहा है जिसके उसूल इस तरह से हैं कि यहाँ पर हर एक टीम के पास में ये पॉट आएगा और हर एक टीम जो है तो अपना एक लिफाफा चूज़ करेगी। उस लिफाफे में जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाएगा और इसके लिए आपको जवाब देने के लिए सिर्फ 60 सेकंड मिलेंगे। जो टीम सबसे पहले बजर दबाएगी उसकी जो है तो लाइट जो है तो कंटिन्यू जलेगी यहाँ पर, और जो सेकंड जो है तो बजर को दबाएगी उसकी लाइट जो है तो बीफ होगी, और जो थर्ड टाइम जो है तो उसको दबाएगी उसकी जो है तो लाइट और ज़्यादा जो है तो और कम उसकी बीफ रहेगी। ठीक है, आपने भी यहाँ पर इस तरह से जो है तो हमारे बजर राउंड को देखा है। अब ये बजर राउंड यहाँ पर होने जा रहा है। हाँ, यहाँ पर जो सवाल पूछा जाएगा आप तमाम टीमों के लिए होगा। जो सबसे पहले बजर दबाएगा उस टीम को जो है तो उसका जवाब देना होगा, और जो यहाँ पर सबसे पहले बजर दबाएगा अगर वो टीम सही जवाब देती है तो उसको यहाँ पर प्लस जो है तो उसको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर वो जवाब गलत देती है तो उसके -5 मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर वो जवाब नहीं भी देती है तब भी उसके जो है तो मार्क्स -5 हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस राउंड है जिसके अंदर आप लोगों ने अभी तक पहले राउंड में दूसरे राउंड में जो मार्क्स लिए हैं, जो पॉइंट हासिल किए हैं, तो उसके अंदर आप इजाफा कर सकते हैं या उसके अंदर आपकी कमी हो सकती है। आपने सोच समझ कर जो है तो सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, सबके समझ में आ गया ये बजर राउंड? किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है,
सबसे पहले हमारी पहली टीम मिलिया हाई स्कूल, मिलिया प्राइमरी स्कूल, इन्होंने जो लिफाफा चुना है वो है 25। आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितने साल तक हुकूमत की। सबसे पहले यहाँ पर गलत, सबसे पहले टीम टू ने यहाँ पर बजर दबाया है। 80 साल सही जवाब। यहाँ पर टीम नंबर दो ने अंजुमन स्कूल ने सही जवाब दिया है। टीम हमारी टीम नंबर दो अंजुमन स्कूल ने जो लिफाफा चुना है वो है 34। सवाल है, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा का क्या नाम है। यहाँ पर सबसे पहले मिलिया टीम ने जो है तो बजर दबाया है। हिंद बिनते औफ। क्या बोले आप? हिंद बिनते औफ। गलत जवाब। यहाँ पर मीलिया टीम के माइनस मार्क्स मार्क्स यहाँ पर काटे जाते हैं। इसका सही जवाब है जैनब बिन मकतून। मकून यहाँ पर आप तीसरा लिफाफा हुदा टीम जो है तो चुनने जा रही है। हुदा स्कूल की टीम ने अपने लिए जो है तो लिफाफा चुना है 32। सवाल है, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कितनी आमदनी है। इसका बजर सबसे पहले जवाब है अंजुमन स्कूल की जानिब से, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कितनी अहादीस मरवी है। सही जवाब। यहाँ पर इस टीम को मिलते हैं पूरे 10 पॉइंट। अब यहाँ पर फारूकी स्कूल की टीम अपने लिए लिफाफा चुन रही है। इन्होंने चुना है 17 नंबर का लिफाफा। सवाल है, हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला का पहला नाम क्या था। सबसे पहले यहाँ पर मिलिया स्कूल ने अपने लिए बजर दबाया है। हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला का पहला नाम क्या था। आपके लिए टाइम है 44 सेकंड्स। हजरत हिंद बिनते उमैया। गलत जवाब। यहाँ पर मिलिया टीम के पांच जो पॉइंट जो है तो कम किए जाते हैं। इसका सही जवाब है हारिस। यहाँ पर हमारे चारों ही टीमों ने एक एक लिफाफा चूज किए हैं। अब एक आखिर क्वेश्चन बचा है जिसके लिए मैं यहाँ पर एक लिफाफा उठाऊंगा। और हमारे इस बजर राउंड का आखिरी सवाल यहाँ पर आता है। अभी सवाल शुरू ही नहीं हुआ है, इसको पास करेंगे क्या? ठीक है, यहाँ पर सवाल शुरू होने के बाद आपने जो है तो बजर दबाना है। यहाँ पर इस सवाल को बदल दिया गया है। यहाँ पर हमारा सवाल है, सवाल नंबर 22। कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मरतबा आया है। यहाँ पर सबसे पहले बजर दबा है अंजुमन स्कूल की जानिब से, कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मरतबा आया है। बिल्कुल सही जवाब, 43। इसी के साथ यहाँ पर अंजुमन स्कूल को 10 पॉइंट दिए जाते हैं और यहाँ पर हमारा ये बजर राउंड यहाँ पर मुकम्मल हुआ जाता है। इस बजर राउंड के अंदर यहाँ पर 5 सवाल पूछे गए हैं। इन 5 सवालों के जवाब आप तमाम ने दिए हैं और इसका स्कोर जो है तो कुछ इस तरह से है। माशाल्लाह आप तमाम
चारों टीमों ने बहुत मेहनत किए हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप इस मकाम तक आए हैं और यहाँ पर भी आपने बहुत अच्छा खेल खेले हैं। और आप तमाम को जो है तो इस सीरत कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने और बहुत अच्छा खेलने पर दिली मुबारकबाद पेश की जाती है। यहाँ पर इस राउंड का स्कोर कुछ इस तरह से है, बजर राउंड के अंदर यहाँ पर पहली टीम हमारी मीलिया स्कूल, इस टीम को यहाँ पर इन्होंने दो जो जवाब हैं गलत दिए हैं, इसलिए इनके -10 पॉइंट यहाँ पर दिए जाते हैं बजर राउंड के अंदर। इसके बाद हमारी दूसरी टीम है अंजुमन स्कूल, जिन्होंने यहाँ पर 3 सही जवाब दिए हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर 30 पॉइंट दिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर टोटल स्कोर जो है तो तीनों राउंड के बाद में मिलिया प्री प्राइमरी स्कूल, इनके पॉइंट्स होते हैं 40 पॉइंट्स। दूसरी टीम हमारी अंजुमन उलूम प्राइमरी स्कूल, इनके टोटल पॉइंट्स होते हैं 90 पॉइंट्स। और तीसरी टीम हमारी है हुदा प्री प्राइमरी स्कूल, 50 पॉइंट्स। और हमारी चौथी जो टीम है फारूकी उर्दू स्कूल सिरसाला, इनके होते हैं 20 पॉइंट्स। इस स्कोर बोर्ड के साथ जो हमारे फाइनल में पहुँची हुई जो दो टीमें हैं वो हैं, सबसे पहली टीम अंजुमन उलूम प्राइमरी स्कूल, उनसे गुजारिश है कि अपने जगह पर खड़े हो जाएं। उसके बाद जो दूसरी टीम है जो फाइनल में पहुंची है वो है हमारी हुदा प्री प्राइमरी स्कूल, वो भी अपने जगह पर यहां पर खड़े हो जाएं। इंशाल्लाह इनका मुकाबला जो है पीर के दिन यहां पर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।